अगर रोहित पौडेल ने तो भाई अपने तरफ से आज यहाँ पे 110% दिया, आप 110% नहीं कह सकते, 200% दिए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने आज अपना 10% भी नहीं दिया, जिसकी वजह से नेपाल क्रिकेट टीम मैच हार गई। मतलब बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में नेपाल के बॉलरों ने बहुत अच्छा किया, 160 रन पे यहाँ पे जो है वेस्टइंडीज को रोका और 161 का टारगेट था। लेकिन अगर आप किसी की तारीफ करो आज तो रोहित पौडेल की जा सकती है। और एक चीज तो यहाँ पे साबित हो गई कि रोहित पौडेल जो है ना वो आने वाले वर्ल्ड कप के लिए जो है प्रॉपर तैयार है। आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन रोहित पौडेल प्रॉपर तैयार है यहाँ पे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। अब देखो यहाँ पे आज के मैचेस में थोड़ी गलतियां हुई है, रोहित पौडेल लास्ट मैच फिनिश नहीं कर पाए। और एक्चुअली अगर मेरे साथ सीरियसली पूछोगे, मेरा अगर ऑनेस्ट ओपिनियन लोगे तो रोहित पौडेल को मैच फिनिश करना चाहिए था, क्योंकि आप यहाँ पे एक बहुत अच्छे पावर हिटर हो, आप यहाँ पे कप्तान हो और आप ये सिचुएशन पे जिता सकते थे। आप कह सकते हो कि जो मैच फिनिश नहीं हो पाया ये थोड़ा सा जो आप कह सकते हो कि बाकी खिलाड़ियों की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी खिलाड़ी जो है उन्होंने रोहित पौडेल का साथ ही नहीं दिया। अगर आप आकाश चंद की बात करोगे तो आकाश चंद को रनआउट नहीं होना था, वहां पर रोहित पौडेल ने कहा था लास्ट के मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट में आकाश चंद को कहा था कि सिर्फ एक रन लेना है और बाकी आप अपना बड़ा शॉट खेलो। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि आकाश चंद दो रन के चक्कर में जो है वो आउट हो गए। रोहित पौडेल इसी बात पे जो है लास्ट में गुस्सा हुए थे, समझ रहे हो। बाकी यहाँ पे ओपनर की मैं आपको स्टार्ट लास्ट वाली वीडियो में मैंने बता ही दिया, आसिफ शेख को तो भाई यहाँ पे रेस्ट दिया गया था। कुशल बुर्तेल, अनिल शाह, इन दोनों से आज उम्मीदें थी, दोनों अगर 50-60 रन भी बना देते तो मैच आराम से जीत जाता। और नेपाल जब जब मैचेस हारी है, मैं ये कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मैचेस की बात कर रहा हूँ, तब तब यहाँ पे ओपनर का फेलियर की वजह से हारी है। ओपनर फेल होते हैं जिसके वजह से प्रेशर जो है मिडिल ऑर्डर के ऊपर आता है। और अब तो शुक्र मनाओ कि रोहित पौडेल यहाँ पे जो है फॉर्म में, नहीं तो कल के मैचेस में भी जिस तरह से नेपाल की बैटिंग आउट हुई, मतलब खत्म हो गई थी, वहां पर रोहित पौडेल ने अकेले जीतवाया था। सेम चीजें यहाँ पे आज हुई है, रोहित पौडेल ने अकेले जीतने का पूरा ट्राई किया लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 5 मैचेस का सीरीज है, 2 मैचेस में 1-1 का यहाँ पे बराबरी चल रही है अभी, बाकी 3 मैचेस बाकी है। 3 मैचेस में मैं कहूंगा कि नेपाल के अपने ओपनर बैट्समैन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ पे मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा ये कर सकते हो, बैटिंग पोजीशन इधर उधर करवा के मतलब बचा सकते हो, लेकिन ओपनर बैट्समैन जब तक रन नहीं बनाएंगे तब तक आप बड़े मैचेस नहीं जीत सकते। बड़े मतलब मैं हाई स्कोरिंग मैचेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओपनर का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। आप कोई भी टीम को उठा के देख लो वर्ल्ड की, वहां पे ओपनर बैट्समैन का बहुत बड़ा रोल होता है और वो लोग जो है रन बनाते हैं तभी जाके जो मैचेस है वो जीता जाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछोगे आज के मैचेस की, तो आज बॉलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, आज की मैं पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग में जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की गई यहाँ पे, बैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैटिंग में निराशा मिली, लेकिन रोहित पौडेल ने अपना 100% दिया है। वर्ल्ड कप को लेकर जो मैं बातें कर रहा हूँ बार बार कि वर्ल्ड कप से पहले रोहित पौडेल का फॉर्म में आना, ये फॉर्म में रहना रोहित पौडेल का, ये नेपाल क्रिकेट टीम के लिए गुड साइन है और इसको लेके नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो आगे बढ़ सकती है। आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में अभी आप देखो यहाँ पे 150 पेस खेलने का रोहित पौडेल को आदत लग गया। रोहित पौडेल 150 पेस के सामने जो है इतना अच्छा रन बना रहे, कल यहाँ पे 110 प्लस रन बनाया, आज यहाँ पे 70 प्लस रन बनाया। आप कह सकते हो कि सिर्फ 2 मैचेस में 190 रन के आसपास जो है रोहित पौडेल पहुंच गए। और आप कह सकते हो कि ये सबसे बेस्ट बैट्समैन की ना साइन होती है कि आप यहाँ पे इतने अच्छे रन मार रहे हो सिर्फ 2 मैचेस में। और मेरे हिसाब से आगे आने वाले मैचेस में भी अभी रोहित पौडेल जो है ना वो रन मारेंगे, क्योंकि रोहित पौडेल जिस तरीके से फॉर्म में चल रहा है वो रन मारेंगे। बाकी यहाँ पे बाकी खिलाड़ी से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मैचेस को जितवाओ, यहाँ पे आप लोग ही हो जिसकी वजह से नेपाल क्रिकेट टीम मैच जीत गई। इतना मुश्किल मैच नहीं था, आज भी देखो मैच लास्ट तक गया, नेपाल क्रिकेट टीम 11 रन से हारी, लास्ट तक मैचेस जो है वो गया। आज की भी मैं अगर बात करूँ तो ये आप कह सकते हो कि हेड टू हेड मैचेस हो रहे, वेस्टइंडीज की इतनी स्ट्रॉन्ग साइड टीम के सामने नेपाल क्रिकेट टीम पूरी टक्कर दे रही है, तो ये नेपाल की आप ताकत की बात कर सकते हो कि नेपाल के पास ताकत है तभी टक्कर दे रही है। बाकी इसको लेकर आप क्या कहना है, नीचे सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।